जीवन में माय डियर ऐसे कई बार होता है कि कोई इंसान राह चलते चलते आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट बन के आते हैं, लेकिन उसके लिए एक सोच होना बहुत जरूरी है। अगर तेरे में सपने हैं, ड्रीम्स हैं, और अगर तेरे ड्रीम्स बड़े हैं, तो एक ही प्रोफेशन है, उसने कहा एक ही प्रोफेशन है, एक ही धंधा है, एक ही चीज है, एक ही प्रोफेशन है, जिसके अंदर अगर तुमने अपने आप को डाल दिया, अगर तुमने अपने आप को इसके अंदर घोल डाला, अगर इस प्रोफेशन की तुमने श्रद्धा के साथ रिस्पेक्ट की और इस प्रोफेशन का मान सम्मान अगर तुमने किया और इस प्रोफेशन में जो करना है वो अगर आपने किया, तो आप कुछ बड़े कर सकते हैं। आपका जो सपना है वो साकार हो सकता है, पैसे कमा सकते हैं, नाम इज्जत शौहरत सब कुछ मिल सकता है। और मैंने जब उससे पूछा कि ये कौन सा प्रोफेशन है, आप बता सकते हो कौन सा प्रोफेशन है, उसने कहा होगा एब्सोल्युटली राइट। उसने कहा कि अगर जीवन बनाना है, नाम बनाना है, इज्जत कमानी है, शोहरत कमानी है, और अपने चाहतों के हिसाब से पैसे अगर बनाना है, अपने चाहतों के हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से नहीं, अपने चाहतों के हिसाब से अगर पैसे बनाना है, तो गेट इन टू सेल्स। और उसने कहा सेल्स कैन फुलफिल एनीथिंग। जब भी कोई ऐसी जगह होती है जहां पर चीजें सेम रहती है, वहां पर कभी भी अचीवमेंट नहीं होता, वहां पर कभी भी इनकम बढ़ेगा नहीं। लेकिन जहां पर डायनामिक्स रोज बदलता है, जहां पर रोज नई चीजें होती है, जहां पर लोग आते हैं जाते हैं, क्या होगा मालूम नहीं, कब होगा मालूम नहीं, कैसे होगा मालूम नहीं, जहां पर हर चीज बदलता है, वो जो एक वातावरण होता है वहां पर हर टाइम अचीवमेंट होता है। आपका सोच ही इतना था कि आऊंगा, एक मोटिवेशनल स्पीकर आएगा, वो कुछ फंडे लगाएगा, आग लगने की बातें होगी, यहाँ पर हर्षवर्धन यहाँ पर ढींगे मारेगा, संतोष नायर उससे भी बड़े मारेगा, और इसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। यहीं पर मार खा जाते हैं हम लोग। आप आए हैं यहाँ पर इंस्पायर होने के लिए, और आपको लगता है कि ये इंस्पिरेशन हर्ष का या नायडू का या संतोष नायर का या संकेश वायल का, ये मोटिवेशन आपका 50 साल तक रहेगा? अरे सोच रहेगी 50 साल तक, मोटिवेशन तो यहाँ से 3 बजे के पहले 50% जाएगी। बहुत नम्र विनंती है आप लोगों से कि जो मैं बता रहा हूं उसको आप करिए। इसके बीच में आप अपना दिमाग को ना लगाइए कि मेरा मूड आया तो मैं लिखूंगा, दिल किया तो लिखूंगा। जैसे मैंने कहा उसको बिल्कुल डाइल्यूट ना करते हुए करना। जैसे मैं दिल से कहता हूं, दिल से कह रहा हूं मैं, जैसे मैंने कहा वैसे करना। अपना दिमाग को बीच में नहीं लाना, क्योंकि उसको लाने की वजह से जो हुआ है आपके लाइफ में, अपने दिमाग को लाने की वजह से जो आपके लाइफ में हुआ है वो आप देख ही रहे। जो बीज बोया है वो ही फल निकलेगा। कईयों ने तो बीज ही नहीं बोया है और रुक बैठे रहते, बोले फल क्यों नहीं आ रहा, बीज ही नहीं बोया है और फल क्यों नहीं आ रहा है, वो सोच रहा है। आप दिल से बात कीजिए, हकीकत से बात कीजिए, और बात ऐसा कीजिए कि लोगों को विश्वास हो जावे कि आप करने वाले हैं। कईयों पे भरोसा नहीं है, क्योंकि वो लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं है। यू कैनॉट बिल्ड अ लॉन्ग टर्म बिजनेस विद अ शॉर्ट टर्म एटीट्यूड। लॉन्ग टर्म आप चाहते हैं कि पैसा आपको 50 साल में, लेकिन काम आपने 1 साल का ही किया है और 1-2 साल ही पैसा आया है। कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होते रहता है, प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, चैलेंजेस नए आते रहेंगे। ये धंधा है, धंधा, ये नौकरी नहीं है, ये बिजनेस है, बिजनेस। जो अपने काबिलियत को डेवलप करने के पीछे और अपने लक्ष्य के पीछे भागता है, और जो अपने काबिलियत को और कैपेबिलिटी को और अपने टीम की काबिलियत को बढ़ाने की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के पीछे लगता है, उसके पीछे पैसा ऑटोमेटिकली आता है।